स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ये सर्कल का डायग्राम आपके सामने है और एक इंपॉर्टेंट बात हमें ये दी है, इस बात के बिना ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता। ठीक, तो अब देखिए ये हमको गिवन है एसी और बीडी कॉर्ड, इनकी लेंथ इक्वल है। ठीक, तो सेंटर एंगल क्या है हमारा, 72 डिग्री है। तो देखिए ये जो हमारा एंगल एबीसी, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये सेंटर पर बना है, ये सर्कमफ्रेंस पर बना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 36 डिग्री, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट पार्ट जो हम करने जा रहे हैं, एंगल एबीसी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ द एंगल एओसी। ठीक है, रीजन ये है, सिंस सर्कमफ्रेंस एंगल इज हाफ ऑफ द सेंटर एंगल। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना गिवन है, ये हमारा 72 डिग्री है, तो एंगल एबीसी हमारा कितना हो जाएगा, एंगल एबीसी हमारा हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा एक आंसर हो गया, ठीक, फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट हमें सॉल्व करना है, एंगल बीएडी हमें कैलकुलेट करना है। तो एंगल बीएडी हमको ये एंगल एक्चुअली में कैलकुलेट करना है, देखिए ये एंगल हमें पता करना है। तो देखिए अगर ये कॉर्ड लेंथ अगर इक्वल है, ये दोनों कॉर्ड अगर इक्वल लेंथ की है, तो देखिए इसी से, इस कॉर्ड से सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है और इस कॉर्ड से जो सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये दोनों ही एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल बीएडी, एंगल बीएडी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एंगल एबीसी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, सिंस इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां से हमें क्या चाहिए, हमें एंगल बीएडी चाहिए, तो एंगल बीएडी की वैल्यू कितनी आ गई, ये 36 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो ये भी हमारा क्या है, आंसर है। अब देखिए थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए अब देखिए हमें निकालना है एंगल एबीडी। ठीक, एंगल एबीडी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्राइंगल को ही हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ये एंगल हमारा 36 डिग्री है। ठीक, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सेमी सर्कल पर बना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, बस इन दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 54 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो ये जो हमारा एंगल है कौन सा, एंगल एबीडी, इसकी वैल्यू 54 डिग्री आ जाएगी। आइए देखते हैं, देखिए एंगल बीएडी प्लस एंगल एबीडी प्लस एंगल एडीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ
ट्राइंगल एडीबी, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, हमें क्या क्या पता है, देखिए इसकी वैल्यू हमें 36 डिग्री पता है, 36 डिग्री और एंगल एबीडी, ठीक, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो एंगल एबीडी प्लस और एंगल एडीबी, इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे एंगल एबीडी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री। बस दोस्तों ये भी हमारा आंसर है।